Dear students, welcome to my YouTube channel Chemistry with Dr. Gulzar Muhammad. Dear students, आज हमारा chapter number 7 का lecture number 3 है, जिसमें हम एक important topic पढ़ेंगे, cracking. Cracking past paper में long question भी आ चुका है, यहाँ से short question भी आते हैं. Cracking क्या है? Cracking higher hydrocarbon का break करके lower hydrocarbon में change करने का नाम cracking है. क्रैकिंग में हम हायर हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं जिसमें कार्बन एटम ज्यादा होते हैं और उनको हम उसमें चेंज कर लेते हैं जिसमें कार्बन एटम कम होते हैं. अगर कार्बन एटम ज्यादा होंगे तो इसका मतलब है पोलराइजेबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, और अगर कार्बन एटम कम होंगे तो पोलराइजेबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा. जितना जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वोलाटिलिटी उतनी ही कम होगी, और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वोलाटिलिटी ज्यादा होगी. तो क्रैकिंग को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स व्हिच हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट और लो वोलेटिलिटी इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स व्हिच हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड ग्रेटर वोलेटिलिटी इज कॉल्ड क्रैकिंग. अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास C16H34 एक एल्केन है, एक हायर हाइड्रोकार्बन है. ये ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा है. हम इसको हीट कर देते हैं 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये ब्रेक होकर लोअर हाइड्रोकार्बन हेप्टेन बना देता है प्लस इथीन और प्रोपीन बना देता है. तो हायर हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन ज्यादा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, उसको हम लोअर हाइड्रोकार्बन में चेंज कर लेते हैं हीट करके, क्रैक करके. ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी क्रैकिंग की. अब है कि हम क्रैकिंग करते क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. एक्चुअली हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें गैसोलीन के साथ साथ और भी फ्रैक्शन काफी मिलते हैं, जिनमें एक गैसोलीन है जो कि पेट्रोल है. जो गैसोलीन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो हमें गैसोलीन मिलता है वो 20% है, यानी जो पेट्रोल मिलता है 20% है, लेकिन इतना कम पेट्रोल हमारी जरूरियात को पूरा नहीं कर सकता. तो हम क्या करते हैं, पेट्रोल की क्वांटिटी को ज्यादा करने के लिए हम क्रैकिंग करते हैं, और क्रैकिंग से 50% गैसोलीन प्रोड्यूस होता है. यानी हम क्रैकिंग में करते क्या है, जो हमारे पास लेस डिजायरेबल फ्रैक्शन होते हैं, यानी जिनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है लेकिन जरूरत कम है, हम उनको ब्रेक करके मोर डिजायरेबल फ्रैक्शन गैसोलीन में चेंज कर लेते हैं. लेस डिजायरेबल फ्रैक्शन जैसे कैरोसिन ऑयल है, गैस ऑयल है, हम इसको क्रैक करके गैसोलीन में चेंज कर लेते हैं जो कि मोर डिजायरेबल फ्रैक्शन है. तो क्रैकिंग का मतलब होता है, क्रैकिंग का मकसद होता है, पर्पस होता है कि हम इसमें पेट्रोल की क्वांटिटी, गैसोलीन की क्वांटिटी को ज्यादा करना चाहते हैं, और गैसोलीन की क्वांटिटी ज्यादा करने के लिए जो फ्रैक्शन जिनके जो लेस डिजायरेबल है, जैसा कि कैरोसिन गैस ऑयल है, हमने उसको कैरोसिन और गैस ऑयल है, हम इसको मोर डिजायरेबल फ्रैक्शन यानी गैसोलीन में चेंज कर लेते हैं. ये क्रैकिंग की इंपॉर्टेंस हो जाएगी. अब है क्रैकिंग की टाइप्स, तीन तरह की क्रैकिंग है, थर्मल क्रैकिंग या पायरोलिसिस, नंबर टू पे है हमारे पास कैटलिटिक क्रैकिंग, और नंबर थ्री पे है स्टीम क्रैकिंग. तो सबसे पहले थर्मल क्रैकिंग या पायरोलिसिस, थर्मल हीट को पायरो भी हीट को कहते हैं, पायरोलिसिस पायरो यानी हीट से ब्रेक कर देना, पायरो हीट है, लाइसिस ब्रेक करना, टू ब्रेक विद द हेल्प ऑफ हीट. इसमें हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हाई प्रेशर चाहिए होता है. हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जब हम हायर हाइड्रोकार्बन को ट्रीट करते हैं तो हमारे पास लोअर हाइड्रोकार्बन इथीन और प्रोपीन बन जाते हैं. अब जब इतने ज्यादा टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो ये बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल बनेंगे. ये फ्री रेडिकल प्रोसेस है, और फ्री रेडिकल प्रोसेस की वजह से इसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसकी वजह से थर्मल क्रैकिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट है हमारे पास कैटलिटिक क्रैकिंग, जिसमें हम टेम्परेचर और प्रेशर कम कर लेते हैं बाय, और ये हम कैटलिस्ट यूज करके क्रैक करते हैं. तो इसमें लो टेम्परेचर होता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर इसमें 2 ATM यूज करते हैं, और कैटलिस्ट यूज करते हैं एलुमिनो सिलिकेट्स, Al2O3 और SiO2 कैटलिस्ट यूज करते हैं. और इस क्रैकिंग में हमारे पास गुड क्वालिटी गैसोलीन बनता है जिसका ऑक्टेन नंबर हाई होता है, और ये इंजन में नॉकिंग कास नहीं करता. लास्ट में हमारे पास स्टीम क्रैकिंग है. स्टीम क्रैकिंग में हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है, हायर हाइड्रोकार्बन जिसको हमने ब्रेक करना है, वो वेपर फेज में होना चाहिए, और फिर हम इसको मिक्स कर देते हैं विद स्टीम एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन,
और फिर इसको सडनली कूल करते हैं, तो सडनली कूल करने से ये लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं, जिनमें जो हमारे पास कार्बन है वो थोड़े होते हैं। अब स्टीम क्रैकिंग और जो हमारे पास थर्मल क्रैकिंग है, दोनों में टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन यहां पर हम स्टीम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि फ्री रेडिकल डाइल्यूट हो जाए, उनका प्रेशर कम हो जाए, वो एक दूसरे से दूर हो जाए और फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर ज्यादा साइड प्रोडक्ट या मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स ना बना सकें। तो स्टीम क्रैकिंग में स्टीम यूज करने का मकसद जो हमारे पास फ्री रेडिकल बनेंगे हीट करने से उनको डाइल्यूट करना है, ताकि वो आपस में रिएक्शन करके, डियर स्टूडेंट्स ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये बहुत ही रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं, ये एक दूसरे से मिलकर बहुत ही रीअरेंज होकर नए नए प्रोडक्ट्स बना देते हैं। तो स्टीम यहां पर यूज करने का मकसद जो है वो जो थर्मल क्रैकिंग में रीअरेंजमेंट से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं, मिक्सचर प्रोडक्ट बनते हैं, उनको रिड्यूस करके जो हमारे मेन प्रोडक्ट्स हैं उनको ज्यादा करना होता है। फाइनली अगर हम क्रैकिंग की इंपॉर्टेंस देखें तो इससे हम क्वांटिटी ऑफ गैसोलीन ज्यादा कर सकते हैं, इसके अलावा हमें इससे लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसा कि इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और इसके साथ साथ हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन भी मिलता है। ये जो हमारे पास इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन है, इनको हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, प्लास्टिक डिटर्जेंट्स, फर्टिलाइजर्स, वीड किलर्स और इसके अलावा डिफरेंट कंपाउंड जैसा कि एथानॉल, फिनोल और एसीटोन। यानी ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे इनसे हम फिर आगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं उनको बना लेंगे, ना सिर्फ डिफरेंट कंपाउंड्स बनाएंगे नए नए, इसके अलावा हम ड्रग्स, प्लास्टिक डिटर्जेंट्स, फर्टिलाइजर और वीड किलर्स भी बना लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रिफॉर्मिंग को स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।